नमस्ते ब्रजाचार्य बीड, आपका स्वागत है। आज भाई इस एग्नेस की स्टेयरिंग व्हील के बारे में बताऊंगा आपको। आज इसकी इतनी बेइज्जती सी होती है भाई स्टेयरिंग की व्हील के बारे में। भाई इग्नेस की जो स्टेयरिंग है ना, मतलब बोले वापस नहीं आती। जैसे पूरे टायर कटे हुए हैं ना, जैसे पूरे टायर कट जाते हैं अपने फुल कटिंग में कर देते हैं, तो अपनी स्टेयरिंग बोली वापस नहीं आती। तो आज वही बताना चाह रहा हूँ भाई कि स्टेयरिंग वापस आती है वीक नहीं आती है। मैंने भी अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ उस गाड़ी को 20 किलोमीटर चला दी भाई, मुझे आज तक ये कोई फील नहीं हुआ कि भाई इसकी स्टेयरिंग वापस आती है नहीं आती है, कैसे आती कैसे। मैं छोड़ देता हूँ, अपने आप आ रही, अपने हिसाब से अपनी आ जाए। भाई स्टेयरिंग का भरोसा मैं नहीं करता, क्योंकि अपने हाथों पर भरोसा करता हूँ, है ना ये चीज़। तो कई लोग ड्राइवर क्या करते भाई, जैसे मोड़ पर गाड़ी मोड़ते ना भाई, अपनी स्टेयरिंग छोड़ देते हैं। तो वो कई लोग इतनी भाई ट्रोल की थी इस गाड़ी को, भाई इग्निस का स्टेयरिंग व्हील वापस नहीं आता, स्टेयरिंग वापस व्हील नहीं आता। भाई आज वही चीज़ देखता हूँ भाई कि इसका इग्निस का स्टेयरिंग व्हील वापस आता है कि फुल कटा हुआ है। आपको दिखा दूंगा आपको मैं, है ना। एक सेकंड, हाँ पहले गाड़ी चालू कर लूँ। फुल कटा है, ये देखो फुल कटा है, और दिखाता हूँ आप देखो पूरा इधर पूरा और इधर पूरा। टायर पे दिखा देता हूँ आपको, टायर दिखाता हूँ आपको, देखो ये टायर देखो, ठीक है टायर दिख रहा है, टायर भी पूरा कटा हुआ है। तो अब दिखा दो, देखो पहला ये डालता हूँ मैं स्टेयरिंग पे, से हाथ हटा लूँगा बस पूरा का पूरा, ठीक है। ऐसा रोड है, देख चलता हूँ। देखो भाई वापस तो आ रहा है, देखो दोबारा फिर मोड़ दिया, देखो फिर मोड़ दिया, अच्छा सीधी गाड़ी हो गई है। अब से फिर मोड़ रहा है, देखो एक सेकंड अब आएगा, देखो ये आ रहा है। भाई भरोसा नहीं कर सकते, भरोसा आप नहीं कर सकते। मैं आपको हाईवे पर चल के और दिखाता हूँ, जैसे मतलब रोड पे कच्ची रोड पे आता, कभी कभी वापस हो जाता है ना इस चीज़ पे। और एक बार रोड पे चेक करके दिखाता हूँ, जैसे कच्चे में तो भाई इसने वापस नहीं आई। देखो देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, कच्चे में तो नहीं आ रही भाई। हाँ थोड़ी सी तो आ जाती है, लेकिन फुल गाड़ी अपनी ये नहीं आती वापसी पे, ठीक है। चलो उसको मतलब ये हाई रोड पक्का सा रोड है ना, उस पर लेके चोर दिखाता हूँ आपको, बस इतनी है। उस हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ भाई कि आती है कि नहीं आती, भाई कितना भरोसा करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, वो आपको दिखाता हूँ भाई। और देख बताओ भाई, अगर आप लोग ड्राइवर हो तो स्टेयरिंग व्हील पे भरोसा मत करना, अपने हाथों भरोसा करना। देख सही है ना, जैसे मैंने इतनी गाड़ी काट दी है, इधर काट लेता हूँ, उधर तो वैसा रहता है ना पानी वाला है, कूद गई तो ये देखो इधर भाई ना आ रही। हाँ भाई हाईवे पे तो आ जाती है वापस, देखो आती भी कब बताया था आपको, गाड़ी 10 की स्पीड प्लस होती है ना तब आती है इसकी स्टेयरिंग, देखो ये देखो। हाँ भाई आती तो है, लेकिन 10 की स्पीड प्लस होती गाड़ी। जैसे अभी अभी उठाऊँ आपको, जैसे यहाँ पे लूँ, जैसे मैं यहाँ पे गाड़ी मोड़ दूँ, यहाँ पे गाड़ी मोड़ दूँ मैं यहाँ पे, अब देखना वापस आ जाएगा। बंद हो गई, देखो मैं यहाँ पे मोड़ता हूँ, ये गाड़ी निकल जाए पीछे, उसके बाद बताता हूँ आपको। देखो गाड़ी निकल जाए थोड़ी पीछे, ये जो गाड़ी आ रही ना बस की, ये आ रहा है, ये बंदा आ रहा है, ट्रक आ रहा है बस से स्कूल की, है ना ये निकल जाए, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। अरे तीन तीन चार आ रहे हैं भाई अब तक, ठीक है निकल गई, ये रुक गई, अब देखो आ गई वापस, है ना ये है। आ जाती है, लेकिन भाई भरोसा नहीं कर सकते, मैं तो सीधी बताऊं, स्टेयरिंग व्हील भरोसा ना करें प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बेल्ट लगाना भूल गया मैं, क्यों कि भाई थोड़ा सा आपको दिखा रहा था इसलिए, ये बिना बैठी मैं गाड़ी चलाता नहीं भाई, सॉरी इस चीज़ के बारे। लेकिन आप लोग भी चलाएं गाड़ी, सीट बेल्ट लगा जरूर चलाएं, हेलमेट लगा के चलाएं प्लीज़। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक कार से सीट बेल्ट जरूर पहने, टू व्हीलर चलाएं हेलमेट पहन के जरूर चलें भाई। सब्सक्राइब कर लेना इसी कंटेंट के लिए प्लीज़, थैंक यू सो मच प्लीज़। सेव अस, हैव अ नाइस डे।